वेलकम टू विद्य प्रकाशन मंदिर लिमिटेड, मैक्स मार्क्स। बच्चों फिर से मैं बोलूंगी, मैक्स मार्क्स के साथ बने रहिए, मैक्सिमम मार्क्स अचीव करते रहिए। आपने खुद देखा होगा कि कैसे हमारे जो विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड है, आप लोगों के लिए बेस्ट फैकल्टी मेंबर्स लाए हैं, कैसे उन्होंने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। और अब हम इसी कॉन्सेप्चुअल चीजों के साथ आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको लेके जाती हूँ अपने क्वेश्चन आंसर राउंड। ठीक है बच्चों, बेसिकली हमारे चार तरह के क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आप मैक्स मार्क्स में पाएंगे। पहला आपको मिलेगा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। दूसरा आपको मिलेगा केस स्टडीज। केस स्टडीज आपको मालूम है बिजनेस स्टडीज में तो कोई टॉपिक बिना केस स्टडीज के शुरू ही नहीं हो सकता, तो केस स्टडीज आपको मिलेंगी। और तीसरा आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चंस का मतलब होता है कि आपको ओपनली जिसके आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आंसर्स लिखने होते हैं, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस, एक होते हैं लॉन्ग टर्म और एक होते हैं शॉर्ट, ठीक है। लॉन्ग जो आंसर्स होते हैं वो आपको मालूम है 5 से 6 नंबर के आते हैं, और जो शॉर्ट आंसर्स होते हैं वो बेसिकली 2 से 4 नंबर में कंसिडर किए जाते हैं। तो अब हम इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं बोर्ड पे एमसीक्यू क्वेश्चंस, यस ऑब्जेक्टिव। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया इतने तरह के फैक्टर्स हैं, अब हम उन्हीं अपनी नॉलेज टेस्ट करते हुए आप लोग देखिए आप इनका जवाब दे पा रहे हैं या नहीं। डैश इज द रेशियो यूज टू डिटरमाइन हाउ इजली अ कंपनी कैन पे इंटरेस्ट ऑन इट्स आउटस्टैंडिंग डेट। देखिए हम इसमें क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कंपनी आराम से इंटरेस्ट पे कर सके तो भाई अपने आउटस्टैंडिंग डेब्ट्स पे। तो ये तो आप लोगों ने अपने रेशियो एनालिसिस में भी किया था, यस। सोचिए ये चार ऑप्शंस हैं आपके पास, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, ईपीएस। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, नन ऑफ दीज। यस वेरी करेक्ट, द आंसर इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से ही हम इंश्योर कर सकते हैं कि यस हमारा इंटरेस्ट, हमारा जो इंटरेस्ट है, जो कंपनी का प्रॉफिट है, वो इतने टाइम्स कवर हो रहा है। और यहां पर हम ये इंश्योर कर पाएंगे कि कंपनी हमारे इंटरेस्ट को पे कर सकती है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओवरऑल फाइनेंशियल रिस्क डिपेंड्स अपॉन, देखिए यहां पर हमने किसकी बात की है, फाइनेंशियल रिस्क की बात। फाइनेंशियल रिस्क अगर आपको याद हो तो दो तरह के रिस्क होते हैं, मैंने आपको बताया था, एक होता है डिसोल्यूशन रिस्क और एक होता है फाइनेंशियल रिस्क। डिसोल्यूशन रिस्क कौन सा होता है, जो इक्विटी पे होता है, ज्यादा इक्विटी होने पर डिसॉल्व होने का फर्म का होता है और वहां पर डिसोल्यूशन रिस्क होता है। फाइनेंशियल रिस्क कौन सा रिस्क होता है, जहां पर डेब्ट हमारे जाते हैं। तो यहां पर क्या बोल रहे, ओवरऑल फाइनेंशियल रिस्क डिपेंड्स अपॉन, बताइए। वेरी करेक्ट, पोर्शन ऑफ द डेब्ट इन द टोटल कैपिटल। डेब्ट से हमारा क्या बनता है, फाइनेंशियल रिस्क बनता है, ठीक। ओके लेट अस प्रोसीड विद द थर्ड क्वेश्चन। ये हमारा केस बेस्ड स्टडी है, आपको याद होगा मैंने केस बेस्ड स्टडी में सबसे पहले आपको क्या बोला था, एक बार क्वेश्चन आंसर्स की तरफ देख लेते हैं हम पहले केस स्टडी पढ़ने से। यहाँ पे हमें एक कॉन्सेप्ट बताना है, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट बींग डिस्कस्ड इन द अबव केस, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ सन शाइन लिमिटेड विल बी, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट यहाँ बताना होगा, और स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाइड इन क्वेश्चन वन। ऑब्जेक्टिव हमें बताना है कि क्वेश्चन नंबर वन क्या। तो ये था हमारा केस स्टडी, अब हम इसके साथ आपके डिस्कस करने वाले हैं केस स्टडी क्या कहती है। देखिएगा, सनशाइन लिमिटेड हैज इट्स ओन वेयर हाउस एग्रीमेंट एट द की लोकेशन अक्रॉस द नेशन। की लोकेशन पे वेयर हाउस अरेन्जमेंट है, ठीक है। इट्स सर्विस हेल्प्स द बिजनेस फर्म्स टू रिड्यूस देयर ओवरहेड, इंक्रीज एफिशिएंसी एंड कट डाउन द डिस्ट्रीब्यूशन टाइम। भाई की एरिया में वेयर हाउस होने से आपका जो एक्सपेंसेस है वो रिड्यूस हो जाते हैं, आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, और आपका डिस्ट्रीब्यूशन कट डाउन डिस्ट्रीब्यूशन टाइम भी होता है। मोहम्मद काशिफ द एचआर मैनेजर ऑफ सनशाइन लिमिटेड इज मेकिंग द एफर्ट्स टू इंक्रीज इट्स मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्या कह रहे हैं, इंक्रीज करना चाह रहे हैं
मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर, यानी कि जो मोहम्मद काशिफ हैं ये क्या कोशिश करें कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ है, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स का मार्केट में वैल्यू है, इक्विटी की वैल्यू है, वो इंक्रीज हो. ही नोज दैट इट कैन बी पॉसिबल इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इंक्रीजेस. उन्हें यह भी पता है कि ये तभी पॉसिबल है जब हमारा मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर क्या होगा, इंक्रीज होगा, तभी शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है वो इंक्रीज होगी. ठीक, ये क्वेश्चन है. आप देखते हैं, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट बींग डिस्कस्ड. बताइए भाई कौन सा कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ है? मार्केटिंग मैनेजमेंट? नहीं, मार्केटिंग की तो कोई बात नहीं आई. फाइनेंस मैनेजमेंट? बिल्कुल, फाइनेंस की बात आई है, वेल्थ की बात आई है, ठीक है, और प्रॉफिट कैसे इंक्रीज हो रहा है उसकी भी बात आई है. बिजनेस एनवायरनमेंट की कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं बता रहे हैं कि एनवायरनमेंट ऐसा है या कुछ है. और लास्ट डायरेक्टिंग के लिए भी कुछ नहीं बताया जा रहा.